गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दुर्गा पूजा सीरीज़ के फर्स्ट डे ये बंगाली स्टाइल मेकअप लुक। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का फेस वॉश, उसके बाद टोनर एंड ये है गुड वाइब्स का रोज टोनर। टोनर आपके पोर्स को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, तो सेकेंड स्टेप है टोनर एंड उसके बाद है मॉइस्चराइजेशन। जो यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल, ये बहुत अच्छा एक एलोवेरा जेल है, ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई कलर ऐड नहीं है। सो इसके बाद फर्स्ट अप्लाई कर रही हूँ मेकअप प्रोडक्ट जो है इन माई मेकअप प्राइमर। आपके पोर्स को पूरी तरह से मिनिमाइज कर देगा एंड एक स्मूथ बेस आपको प्रोवाइड करेगा ताकि आपका मेकअप बेस फ्लॉलेस लगे। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी फाउंडेशन शेड नंबर 228। तो इसको डॉट डॉट करके पूरे फेस में अप्लाई कर लेंगे एंड उसके बाद एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। सारे प्रोडक्ट के डिटेल्स बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलना। सो नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस कंसीलर इन द शेड मीडियम टॉनिक। ये हाइलाइटिंग कंसीलर है, तो हाईलाइट करने के लिए मैंने अंडर आई पे, ब्रिज ऑफ द नोज पे, फोर हेड पे, चिन पे लगाया है एंड आईलिड को भी प्रेप करने के लिए ये कंसीलर लगा लिया है। सो उसको भी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। नेक्स्ट पूरे फेस को सेट करने के लिए यूज़ किया है मेबलिन सुपर फ्रेश वाइट कॉम्पैक्ट पाउडर इन द शेड कोरल एंड उसके बाद मैंने कॉन्टोरिंग के लिए चूज़ किया है एन वाई बी का कॉन्टोर स्टिक। शेड नंबर जो भी होगा वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगा, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। आई मेकअप के लिए फर्स्ट यूज़ किया है स्टील पेरिस का 38 या फिर 48 कलर का ग्लिटर आई शेडो होता है, तो ये रेडिश पिंक कलर लेके पूरे लिड पे लगा लिया है अपने फिंगर से एंड उसके बाद एक मैट रेड कलर को लेके उस क्रीज में ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई लाइंस वगैरह ना दिखे, एकदम ब्लेंडेड दिखे। तो मैट रेड कलर जो लिया था वो है स्विस बेबी का हाइलाइटर एंड ब्लश पैलेट से, ये रेड कलर लेके अपने क्रीज पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। मैट रेड आई शेडो को मैंने लोअर लैश लाइन पे भी लगा लिया है। नेक्स्ट एक लूज शिमर पॉट है, ये गोल्डन कलर शिमर है, तो आप ये शिमर को लेके अपने आईलिड के एकदम बीचों बीच आई बॉल के ऊपर लगा रही हूँ एंड लगा रही हूँ, आप देख ही सकते हो। सो आई मेकअप एकदम सिंपल है, बिगनर्स के लिए भी इजी होगा, ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट ब्लश के लिए मैं फिर से वो स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर एंड ब्लश पैलेट से ये वाला पिंक कलर लेके अपने चिक्स पे लगा रही हूँ। अगर ज़्यादा लगे तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर लीजिएगा, तो वो फेड हो जाएगा थोड़ा सा
एंड एकदम नेचुरल लगेगा। तो उसके बाद उससे उसी पैलेट से हाइलाइटर भी लगा रही हूँ अपने पूरे फेस के हाईएस्ट पॉइंट पे। उसके बाद ये लाइनर पेन है, तो मैं लाइनर पेन से कंफर्ट हूँ तो मैं लाइनर पेन यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी लिक्विड लाइनर, जेल लाइनर, कुछ भी लगा सकते हैं, एकदम सिंपल सा लाइनर लगाएंगे। इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए मैंने गोल्डन कलर का जो शिमर पॉट था उसी से लगाया है। एंड ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ स्विस ब्यूटी के हाइलाइटर पैलेट से। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ एडीएस मैट मी लिपस्टिक इन द शेड रेड। सो नेक्स्ट मैं आईलैश को कर्ल कर रही हूँ एंड ब्लू वेन का मस्करा लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने आईलैशेस नहीं लगाया है, आप चाहे तो लगा सकते हैं। लास्ट मैं लगा रही हूँ एडीएस का मेकअप फिक्सर, मेकअप सेटिंग स्प्रे। सो उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर से मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।